हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, जहाँ की हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू मेजर एसईओ परफॉर्मेंस। और मैं इसमें आपको बताऊंगा टॉप 5 मैट्रिक टू मेजर एसईओ परफॉर्मेंस। वो 5 टॉप मैट्रिक्स कौन सी हैं जिसका आप अपने एसईओ के वर्क को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऊपर आइकन में भी मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से भी मेरे चैनल को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो फ्रेंड, हमारे इस चैनल की एक खासियत है कि हम टेक्निकल ज्यादा बातें करते हैं, तो आज भी हम वही करने जा रहे हैं कि जो मैं आपको मैट्रिक्स बताऊंगा टॉप 5, उनके बारे में हम प्रैक्टिकली डिटेल में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स फर्स्ट की। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है जो कि हमें यूज करनी चाहिए वो है मैट्रिक 1 वेबसाइट ट्रैफिक। ये जब हम किसी वेबसाइट का एसईओ करते हैं, किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैट्रिक है जो कि हमें हमेशा देखनी चाहिए कि वेबसाइट का ट्रैफिक क्या है और जो ये बताता है कि आपका एसईओ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। कैसे देखेंगे इस ट्रैफिक को, क्या करेंगे? अब मैंने आपको मैट्रिक तो बता दी, लेकिन इसे कैसे मेजर करना है, क्या करना है, मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूं। तो देखिए, जैसे हम हमेशा कम्फर्ट एसईओ का एग्जांपल आपको देते हैं, तो मैंने कम्फर्ट एसईओ का एनालिटिक्स में अकाउंट ओपन किया हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, इस पे डिटेल में बात करने से पहले, अगर आपको एनालिटिक्स का कोई भी ट्रेनिंग सीखनी है कि जो ये इंटरफेस है ये कैसे आ रहा है, एनालिटिक्स क्या होता है, तो ऊपर आइकन में मैंने लिंक दे रखा है या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपनी सारी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्लीज एनालिटिक्स के वीडियोस को देखें, जिससे कि ये आपको डिटेल में क्लियर हो जाए। तो देखिए, हम अपने एनालिटिक्स अकाउंट में गए कम्फर्ट एसईओ के और चैनल में जाके हम देखते हैं। मैंने 2020 का पूरा डेटा जनवरी टू दिसंबर तक लिया हुआ है और यहाँ पे हम देखते हैं कि डेटा कहाँ कहाँ से आ रहा है। ऑर्गेनिक सर्च, डायरेक्ट, सोशल, रेफरल, अदर एंड पेड सर्च। तो फ्रेंड्स, जो एसईओ करते हैं वो हमारा ऑर्गेनिक सर्च होता है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे, अब मैं क्या कहता हूँ कि सिर्फ हम ऑर्गेनिक सर्च को लेते हैं और इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं हम इसकी, देखिए, अगर आप बात करेंगे कि हमें जनवरी में ऑर्गेनिक से सबसे ज्यादा डेटा आया था, फरवरी में थोड़ा कम हुआ, उसके बाद डाउन होता चला गया, तो इसका मतलब अगर हम अपनी वेबसाइट की बात करें ऑर्गेनिक के केस में, तो ये डाउन जा रहा है क्योंकि हम इस पे बहुत कम काम करते हैं। फ्रेंड, मैं एसईओ नहीं करता हूँ इस वेबसाइट का, मैं सिर्फ उतना ही एसईओ करता हूँ जिससे कि आपको सिखा पाऊं। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, मान के चलिए आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप उसे दिखा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसका थोड़ा सा और पीछे का अगर डेटा लेता हूँ, तो हो सकता है जब हमने ये वेबसाइट स्टार्ट की होगी तो हमारा डेटा डाउन होगा, धीरे धीरे बढ़ता है, घटता है। तो इस तरीके से आप मंथ ऑन मंथ जो डेटा में वेरिएशन है वो आप अपने क्लाइंट को या अपने मैनेजर को, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं या खुद अपने आप के लिए, उसे आप दिखा सकते हैं। जैसे ये अगर हम देखें जनवरी 2019 में, फरवरी में डेटा नहीं था, अचानक हमारा ये मार्च से बढ़ना शुरू हुआ और देखिए हमारा करीब फरवरी 2020 तक ठीक रहा है, उसके बाद डाउन हुआ है, तो हमने काम करना बंद कर दिया, इसीलिए हमारा डाउन हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से ये बहुत अच्छी मैट्रिक है और यहाँ से हम इसकी परफॉर्मेंस को जो है देख सकते हैं, अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस की, जो हम एसईओ कर रहे हैं उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। फ्रेंड्स, सेकेंड मैट्रिक है हमारी कन्वर्जन। अब देखिए, कन्वर्जन की जब हम बात करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए, जैसे हमारी वेबसाइट है comfortseo.com, ठीक है, जो भी वेबसाइट होती है उस वेबसाइट का अपना एक नेचर ऑफ बिजनेस होता है कि उस वेबसाइट का बिजनेस क्या है, वो वेबसाइट हमने किस पर्पज से बनाई हुई है। तो अगर मैं comfortseo के बारे में बात करूं तो comfortseo एक टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है, जैसा कि आप इसके नाम से भी देखते हैं, हम टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं इस वेबसाइट की हेल्प से, तो हम इस पे टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए हमने ये वेबसाइट बनाई हुई है। तो अब इस वेबसाइट के लिए कन्वर्जन क्या होगा, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा सा ये टाइम लेता है। तो कन्वर्जन का मतलब होता है कि हमारा जो भी वेबसाइट है या हम जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट के थ्रू, उस पर कितनी लीड जनरेट हो रही है। ठीक है, अब लीड जनरेशन का मतलब है कि देखिए, अगर आप गूगल में अगर देखेंगे हमारी वेबसाइट को, अगर मैं सिंपल इसे comfortseo को सर्च करता हूं,
ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ हमने अपना लोकल लिस्टिंग को भी किया हुआ है, तो यहाँ से लोग हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके हमारा एक दो फॉर्म हमने दिया हुआ है, उस फॉर्म को कितने लोग फिल करके हमारे पास क्वेरी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा कन्वर्जन, कि पर्टिकुलर वेबसाइट से कन्वर्जन कितना हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये डेटा अगर आप हमने एनालिटिक्स में अगर हमने कहीं गोल सेट कर रखे हैं तो वहां से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी वेबसाइट में जो भी टाइप ऑफ कन्वर्जन है उस कन्वर्जन को आप एज ए गोल इसमें सेट करें। यहाँ गोल सेक्शन में आप जाएंगे और यहाँ पे अपने देखिए क्वेरी जनरेशन के लिए जैसे मैंने कुछ लगा रखा है, बट देयर इज नो डेटा क्योंकि हमने प्रॉपर नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप अपना गोल बना सकते हैं, वहां से आप कन्वर्जन को ट्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हुई दूसरी मैट्रिक। अब बात करते हैं हम मैट्रिक थ्री की, ठीक है। अब मैट्रिक थ्री में है रिवेन्यू। फ्रेंड्स अगेन हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं और रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो देखिए रिवेन्यू का मतलब होता है कि जैसे मैंने बताया कि लीड हमारे पास आई, ठीक है। अब लीड आने के बाद होता क्या है कि उस लीड को हम पैसे में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलो कि देखिए ये जो फॉर्म था जो हमारा यूआरएल ओपन नहीं हो रहा था, इस फॉर्म को फिल करने के बाद हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, तो कितने मैसेज आए ये हमारा हो गया कन्वर्जन। अब जब ये कन्वर्जन हुआ हमारे पास क्वेरी आई, उस क्वेरी को हमने मैच्योर करने के लिए डिस्कशन किया। मान के चलिए कोई हमारे पास कैंडिडेट आता है जिसे डिजिटल मार्केटिंग लर्न करनी है, उसके साथ हमारा ऑफिस का बंदा हमारा कलीग उससे बात करता है और अगर वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास आके हमें फी पे कर देता है और वो हमसे ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो हम क्या करते हैं कि एनालिटिक्स में डाल देते हैं कि हमारा पर जो क्वेरी है वो रेवेन्यू इतना जनरेट होता है, एक एक्स अमाउंट हम डाल देते हैं। तो यहां से हम अपनी वेबसाइट का रेवेन्यू चेक कर सकते हैं। तो तीसरी जो मेजर मैट्रिक्स है वो ये हो गई। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको तीन बताई, पहली वेबसाइट ट्रैफिक, दूसरा कन्वर्जन और तीसरा रेवेन्यू, जो कि हमारे एनालिटिक्स से हो सकता है। अब हम बात करते हैं मैट्रिक फोर की, यह है कीवर्ड्स रैंकिंग। फ्रेंड्स बहुत जरूरी चीज होती है जब हम अपना एसईओ करते हैं और मेजरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे निकालते हैं क्या करते हैं, देखिए मैं आपको एक टूल दिखाता हूं, AHREF। अगर आप एसईओ में हैं तो आप इस टूल के बारे में जानते होंगे, आप फ्री में भी इस टूल को कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप लिमिटेड इसकी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने comfortseo.com को यहाँ डाला हुआ है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कीवर्ड्स रैंकिंग की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक आता है ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 2.0 और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं हमें क्या आता है। नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखिए ये हमारा ओपन होके आया यहाँ पे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। तो कौन कौन से कीवर्ड्स थे, उनका वॉल्यूम क्या है, ट्रैफिक क्या है और उनकी पोजीशन क्या है और कौन से यूआरएल है जो रैंक कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कीवर्ड्स हैं, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग को ज्यादा अपडेट करके रखता हूं तो ये टॉप हैं, टॉप कुछ कीवर्ड्स दिखाता है ये, देखिए यहां तक, उसके बाद ये नीचे रैंकिंग और भी दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप सारे कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट के देख सकते हैं, ठीक है, और उनकी रैंकिंग चेक कर सकते हैं क्या है कैसे है, ये सारी चीजें आप यहां से निकाल सकते हैं। तो रैंकिंग जो कीवर्ड्स रैंकिंग है इसको करते कैसे हैं कि जब भी आप अपनी वेबसाइट का एसईओ स्टार्ट करते हैं, मान के चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं तो मैं करंट में रैंकिंग निकालता हूं, ठीक है फ्रेंड्स, और उस कीवर्ड की रैंकिंग क्या है करंट में। मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, google.co.in, ठीक है। मैंने कहा कि एक मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन गाजियाबाद, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने एंटर मार दिया गाजियाबाद, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहां देखते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट यहां पे आ रही है, हमारी वेबसाइट आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए ये तो हमारी लोकल लिस्टिंग की बात होगी, यहां हम अभी भूल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो यहां पे आ रहा है, ठीक है, जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं ये यहां पे किस नंबर पे आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर मैं यहां अभी comfortseo देखने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे कहीं भी नहीं दिखी, अगर मैं यहां पे सर्च भी करूं comfortseo तो मुझे नहीं दिखी, ठीक है। अब मैं सेकंड पेज में जाता हूं, ठीक है, एक पेज में 10 रिजल्ट आते हैं फ्रेंड, ठीक है, एक पेज में 10 रिजल्ट आते हैं। ऊपर कुछ हमारे ऐड आते हैं, 3-4 ऐड आ रहे हैं, उसके बाद हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं, यहां पे भी हमारा नहीं है। अगेन हम आगे जाते हैं, यहां पे भी हमारी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी कीवर्ड की रैंकिंग निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान के चलिए कि हमारी वेबसाइट यहां पे रैंक करती है, ठीक है, तो इसकी अगर हमें
देखना है कि क्या नंबर है, तो आप कैसे देखेंगे 30 और ये 4 पेज पे है, ठीक है। मान के चलिए मुझे इसका देना है 360digitmg.com के लिए, तो 30 तो वो हो गए एंड 31, तो इस कीवर्ड की जो रैंकिंग है इस कीवर्ड की इसके लिए हमारी 31 है। यहाँ पे मैं पूरा डाल देता हूँ इसे गाजियाबाद, ठीक है। यहां से मैंने देखा कि सेकंड थर्ड फोर्थ, हम हमारे इसी तरीके से एन नंबर ऑफ कीवर्ड्स होते हैं जो भी हमारी क्लाइंट के साथ बात होती है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स रैंकिंग को ट्रैक कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप ये देख सकते हैं कि आपकी कीवर्ड्स रैंकिंग कैसे ग्रो कर रही है। अगर कोई कीवर्ड आपका मान लीजिए 10th पोजीशन पे था, 100 पोजीशन पे था, अब वो 20 पे आ गया, तो ये आपकी कीवर्ड परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वेबसाइट की एसईओ की परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि हमारी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म कर रही है। बाकी ऐसे टूल्स का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मैट्रिक 5 की, जो कि है बैकलिंक्स। फ्रेंड्स बहुत जरूरी होते हैं, हमारे एसईओ में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। तो इसका फायदा क्या होता है, देखिए मैं आपको इसमें दिखाता हूं। अगर हम इसमें बात करेंगे AHREF में, तो देखिए ओवरव्यू के बाद हमारा बैकलिंक प्रोफाइल का ये पूरा एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें बैकलिंक्स है, न्यू, लॉस्ट, ब्रोकन, रेफरिंग डोमेन्स, न्यू, लॉस्ट, सारा, ठीक है। अब हम यहाँ बैकलिंक्स पे क्लिक करते हैं, तो और उसके बाद मैं इसका डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा आपको कि कितने बैकलिंक्स हैं, क्या है। तो देखिए रेफरिंग पेज कौन सा है, comfortseo.blogspot.com, URLs इतने हैं, रेफरिंग डोमेन 11, लिंक डोमेन इतने, एक्सटर्नल 27 और ये। अब मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके जाता हूं, ठीक है। डैशबोर्ड पे आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए टोटल बैकलिंक देखिए कितने, 1.1K, ठीक है। किस तरीके से ये इंक्रीज हो रहे हैं आप इसका डेटा भी देख सकते हैं, रेफरिंग डोमेन भी कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारा डाउन हुआ है, ऑर्गेनिक कीवर्ड भी हमारे डाउन हुए हैं। तो इस तरीके से आप बैकलिंक का पूरा डेटा यहां से देख सकते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे तो जो मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, बैकलिंक्स क्या क्या है, कहां से आ रहे हैं, सारा कुछ यहां पे देखिए। रेफरिंग पेज फ्री में ये थोड़े कम दिखाता है, ठीक है, और बाकी आप पेड ले लेंगे इसका तो वैसे यहां पे बहुत सारे दिखा रहा है, ठीक है, कहां कहां से मैं बैकलिंक आ रहा है, क्या आ रहा है, देखिए फॉल्ट, ठीक है, जितने भी डोमेन ये यहां पे दिखा रहा है आप यहां पे देख सकते हैं, comfortseo.blogspot.com आप इसे और इलैबोरेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं फर्दर। तो फ्रेंड ये जो बैकलिंक्स हैं बहुत जरूरी होते हैं, इसका अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लेना होता है तो देखिए अगर आप यहां पे लिंक कमांड comfortseo.com अगर डालेंगे तो आपको कुछ आइडिया यहां से भी मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए अभी आ रहा है, अगर मैं यहां लिंक्स डालता हूं तो रिजल्ट आपका चेंज होगा। थोड़ा सा नेट आज स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है ये, तो यहां से भी आप आइडिया ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको ये टूल्स बता दिए कि इस टूल से आप किस तरीके से अपना जो बैकलिंक्स का डेटा है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड, उसके अलावा आपका देखिए ये जो AHREF है बहुत अच्छा टूल है साइट ऑडिट के लिए, रैंक ट्रैकर के लिए। देखिए रैंक ट्रैकर का मतलब यही हो गया कि अगर हमें यूज करना है, तो ये हमारा फ्री वर्जन में नहीं है। इसी तरीके से हम कीवर्ड एक्सप्लोरर के लिए इसे यूज कर सकते हैं, साइट ऑडिट के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप इस टूल को थोड़ा सा अगर एसईओ में काम करते हैं तो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें और यहां से सीखें कि किस तरीके से अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को आप ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, एनालिटिक्स में अगेन आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मेरे सारे वीडियोज को देखें, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं, देखिए ये मैंने साइट ऑडिट टुडे का दिया है, देखिए किस तरीके से URL क्रॉल्ड होते हैं, बहुत अच्छा टूल है फ्रेंड्स। आपको हर चीज यहाँ पे मिलेगी, कितना लोड टाइम है, साइज है, आउटलिंक्स कितने हैं, सारा कुछ ही आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस टूल को मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूज करने के लिए, अच्छे से आप इस टूल का यूज करें, फ्री में पहले यूज करके देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं, जिससे कि आप और डेप्थ एनालिसिस अपनी वेबसाइट का कर पाएंगे और अपनी वेबसाइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। जो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन है बहुत अच्छी, यहां से हमें इनपुट मिलता है, डेटा मिलता है कि जो जो चीज हमें इम्प्रूव करनी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की टॉप 5 मैट्रिक्स जो कि हमें वेबसाइट को मेजर करने के लिए जरूर। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स इस वीडियो का यूज करके आप बहुत आसानी से कुछ ऐसी मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे जो कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को आसानी से दिखा पाएगा और आप अपने क्लाइंट के सामने या अपने मैनेजर के सामने इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं आसानी से कि जो काम हमने किया है
उसका क्या बेनिफिट हुआ है इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक ले लीजिए, या रेवेन्यू ले लीजिए, या कन्वर्जन ले लीजिए, या कीवर्ड रैंकिंग ले लीजिए, या फिर लास्ट में मैंने आपको जो बताया कि जो हमारे बैकलिंक्स हैं वो कितने इंक्रीज हुए हैं। तो इन सारी चीजों में जब आप अब दिखाओगे अपने डेटा में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका क्लाइंट भी खुश होगा और आपका बिजनेस भी इंप्रूव होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है एसईओ से रिलेटेड, और कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, एनालिटिक्स से रिलेटेड, गूगल टैग मैनेजर से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं और जितना जल्दी होगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम।